पत्रकार निष्पक्ष होता है और हम वाकई में पत्रकार निष्पक्ष है, लेकिन बात यही है कि गाने की बीट कुछ ऐसी है। देखिए जश्न, देखिए एक बार फिर से यूपी में भगवा लहराया, और भगवा किस कदर लहराया वो तस्वीरों में देखिए अपने आप में। दोस्तों, चुनाव भाजपा सरकार जैसे ही जीती उसके बाद तो ये गोदी मीडिया की भक्ति मोदी सरकार के लिए और बढ़ गई। चित्रा त्रिपाठी का तो नाम आपने सुना ही होगा। उनके पति अतुल अग्रवाल, उन्होंने अपने चैनल हिंदी खबर पर जो मोदी भक्ति दिखाई, आप भी इसे देखकर यही कहेंगे कि इनको ही बेस्ट मोदी भक्ति का अवार्ड मिलना चाहिए, जिसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे ये मोदी की भक्ति में चूर हो गए थे। दोस्तों, जैसे ही योगी जी की जीत हुई वैसे ही ये पागल हो गए और ठुमके लगाने लगे। और यही नहीं, इन्होंने जो लिखा है पहले ये देखिए आप, हिंदी खबर में बजा बवाली गाना और जमकर झूमे सभी पत्रकार। यही नहीं, एक और लिखते हैं जिसमें लिखा है योगी बाबा नहीं जाएंगे मठ और 5 साल बजाएंगे लट। दोस्तों, ये देख कर के आप समझ सकते हैं क्या ये चैनल सीधे सीधे योगी जी की दलाली नहीं कर रहा है। प्रियंका ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, न्यूज रूम ऐसा भी होता है? यूपी में बीजेपी की जीत का जश्न मना रही ये सारे पत्रकार हैं। इनमें से एक रिपोर्टर कहता है, कहा जाता है पत्रकार निष्पक्ष होता है और वाकई में पत्रकार निष्पक्ष है, लेकिन गाने की बीट ही कुछ ऐसी है। जश्न देखिए, एक बार फिर से यूपी में भगवा लहराया, जश्न का माहौल। दोस्तों, अब आप पहले इस वीडियो को देखिए। पत्रकार निष्पक्ष होता है और वाकई में पत्रकार निष्पक्ष है, लेकिन बात यही है कि गाने की बीट कुछ ऐसी है। देखिए जश्न, देखिए एक बार फिर से यूपी में भगवा लहराया, और भगवा किस कदर लहराया वो तस्वीरों में देखिए अपने आप में। देखा आपने दोस्तों, यहाँ पर इन चाटुकारों की चाटुकारिता दिख रही है। वहीं विनय नाम के यूजर लेके हैं पत्रकारिता का बुरखा पहनकर भाजपा का प्रचार करने वाले इन तथाकथित राष्ट्रवाद एंकरों की ऐसी चाटुकारिता के कारण भाजपा को हराना बहुत मुश्किल काम है। मुद्दा लखीमपुर का हो या उन्नाव हाथरस का हो, इन्होंने सदैव ये बताया कि विपक्ष मोदी और योगी को बदनाम कर रहा है। इन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके भाजपा सरकार की सच्चाई रखी है। दूसरा ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मुद्दा चाहे नोटबंदी में जनता को हुई समस्याओं का हो, लॉकडाउन के कारण मजदूरों गरीबों को हुई तकलीफ हो, राफेल में भ्रष्टाचार का हो या हाल ही में यूक्रेन में छात्रों का हो, ये तथाकथित प्रवक्ता ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे कि लगे कि नरेंद्र मोदी बहुत ईमानदार है, विपक्ष गद्दार हो। आगे लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की स्वघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता रूबिका लियाकत और पिछड़ा वर्ग महिला मोर्चा की स्वघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता अंजना ओम कश्यप तथा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के स्वघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर चौधरी को छोड़कर आप इन पत्रकारों के नाम टाइटल इन मोदी भक्तों के ऊपर सवाल उठाते हुए लिखते हैं, भारत में जिन राज्य में भाजपा की सरकार है उन राज्यों में मुख्यमंत्री की जाति पता कीजिए, इन पत्रकारों की जाति पता कीजिए, केंद्रीय मंत्रालय में बड़े बड़े पदों पर बैठे मंत्रियों की जाति पता कीजिए। भाजपा ने चतुराई से उच्च कोटि के स्वर्ण जातिवाद को हिंदुत्व का चोला पहना दिया है। दोस्तों, ये हम नहीं जनता भी समझने लगी है कि आजकल की मीडिया सरकार की दलाली करती है, जिसके कई बार हमने लाइव एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहिए MIM न्यूज एक्सप्रेस।